हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो ये आप देख सकते हैं जिंक और आज पिवट पॉइंट इज इक्वल 189.02 एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 191.89, सेकंड रेजिस्टेंस 194.12, थर्ड रेजिस्टेंस 196.99 एंड फर्स्ट सपोर्ट 186.79 एंड थर्ड सपोर्ट 183.92 एंड थर्ड सपोर्ट 181.69। तो ये देख सकते हैं जिंक, और अगर डेली चार्ट अगर देखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे मैंने बात किया था कल 190 रीजन फिर से मार्केट आना है क्योंकि वो थोड़ा रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो एग्जैक्टली 190 वहाँ पे आया हुआ है। तो आज देखेंगे ये जिंक कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला, तो अगर आपने बाय लेना चाहता है तो ये रेजिस्टेंस का ऊपर से ही आप बाय ले सकता है। तो डेली में मुझे लगता है ये एक थोड़ा ऊपर जाना है, 194 का आसपास तो जाना चाहिए क्योंकि CCR और स्टोस्टिक भी थोड़ा बहुत कंफर्मेशन कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा अराउंड 194, मतलब 60 रुपया। तो अगर हम इसको छोटा टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड अगर हमने एक रेंज डाल के यहाँ पे देख सकेंगे तो मार्केट तो एक रेंज में चल रहा है, तो एक ये रेंज में चल रहा है मार्केट। तो आज क्या हो सकता है, मार्केट ये सपोर्टिंग जोन है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन से फिर से ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आ सकता है। तो अगर बाय लेना है तो आप 200 मूविंग एवरेज के आसपास से ही बाय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगा और CCI भी नीचे आके फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे जीरो लेवल क्रॉस करके, स्टोकेस्टिक भी फिर से कोशिश करेंगे ये ब्रेकआउट करके, तो यहाँ से आप शुरू कर सकता है बाय के लिए। और अगर यहाँ पे बाय लिया अराउंड 188.50 में बाय में जाएंगे तो आप टारगेट ये प्रीवियस हाई का आसपास या नीचे भी लगा सकता है रेशियो 1:2 करके, राइट 1:2 में। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।